अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। हम इस वक्त रोड़ी रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए जो है ना वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। रोड़ी रेलवे स्टेशन पाकिस्तान रेलवे का बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है और इसकी एक और अहमियत ये है कि यहाँ से कराची और पेशावर की जो रेलवे लाइन है वहाँ से कोयटा जाने के लिए जो है ना वो रेलवे लाइन कटती है और इसीलिए इसको रोड़ी जंक्शन कहा जाता है। बहुत ही मतलब मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन है लेकिन बहुत तंग जगह पर बना हुआ है। उससे अंदाज़ा आप ये कर सकते हैं कि इसकी दोनों जाने पहाड़ियां हैं और इसकी कुछ बिल्डिंग्स जो है ना वो पहाड़ियों पर वाक़ हैं और फिर रेलवे स्टेशन को और उन बिल्डिंग्स को मिलाने के लिए दरमियान में पुल है जो अभी आपने देखा। इस वक्त जो है वो रोड़ी रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर 4 से खैबर मेल, वन ऑफ खैबर मेल कराची से पेशावर जाने वाली वो रवाना हो रही है। ये उसका मेन ब्रिज है जहाँ से हम उतरकर इसका प्लेटफार्म पर जाएंगे। इसके सिर्फ प्लेटफार्म 4 प्लेटफार्म हैं लेकिन ये कि दिन के चंद घंटों को छोड़कर रात सारी यानी 24 घंटे इस पर रौनक रहती है। ये खैबर मेल का आखिरी जो है वो नज़ारा प्लेटफार्म नंबर 4 और ये जो है वो हम पहुँच गए हैं जनाब प्लेटफार्म नंबर 3 और 4। रौनक आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि दिन के बेशतर वक्त में जो है ना वो इस रेलवे स्टेशन पर रौनक रहती है। ट्रेनें आती जाती रहती हैं और जो है ना वो ये प्लेटफार्म नंबर 3 की साइड है। इसके सामने प्लेटफार्म नंबर 4 खाली हो गया है। जो है वो सखर एक्सप्रेस ने इसी प्लेटफार्म नंबर 4 पर आना है। ये हमारे एक ड्राइवर हैं बहुत जो है वो प्यारे से सिद्दीक, मोहम्मद सिद्दीक साहब। ये प्लेटफार्म नंबर 4 से ये जज़ा फातिमा जो है वो एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर की तरह वीडियो बना रही है, मेरी बेटी माशाल्लाह। और ये जनाब ये जज़ब की ही वीडियो बनाई हुई है, जज़ब के हाथों की सखर एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफार्म नंबर 4 पर जो है वो इंटर हो रही है। अच्छा ये मैं बताऊं कि रोड़ी रेलवे स्टेशन जो है वो हम मैंने पहले भी दर्जनों दफ़ा विज़िट किया, मेरा जो है बचपन और नौजवानी के बहुत दिन यहाँ गुजरे। लेकिन इस वक्त जो है वो मैं हमारे यहाँ आने का मकसद आपको सखर और रोड़ी के दरमियान जो है वो अयूब ब्रिज और लैनस्टोन ब्रिज जो है वो दिखाना है रेलवे लोकोमोटिव यानी इंजन से। लोगों ने जो है ना वो बहुत सारी तस्वीरें इसकी बनाई, वीडियोस बनाई लैनस्टोन ब्रिज की और अयूब ब्रिज की, लेकिन लोकोमोटिव व्यू जो है वो बहुत चंद लोगों ने जो है वो इसको बनाया हुआ है। बहुत ही मेरे ख्याल शायद एक या दो वीडियोस ऐसी हैं जिसमें रेलवे इंजन से लैनस्टोन ब्रिज जो है वो बना है। हम इसी सखर एक्सप्रेस में सफ़र करेंगे इसके रेलवे इंजन में और आपको ब्रिज दिखाएंगे। ये डायग्राम है लैनस्टोन ब्रिज का। तो इससे पहले कि चूँकि फासला कम है रोड़ी रेलवे स्टेशन और ब्रिज का, तो इसलिए पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये उस दौर की तस्वीरें हैं जब जो है वो लैनस्टोन ब्रिज बन रहा था और अयूब ब्रिज का वजूद नहीं था। 1887 में जो है वो लैनस्टोन ब्रिज के काम का आगाज़ हुआ था और वेस्टवुड बेली एंड कंपनी ऑफ लंदन, इसने बहुत सारे मशहूर ब्रिज बनाए जिसमें अटक ब्रिज भी शामिल है, ये भी इसी का बना हुआ है। और जो है वो ये 790 फुट लंबा ब्रिज है और इस पर जो मतलब इसके जो ढांचे का वज़न है वो 3300 टन है। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये ढांचा, इसका 3300 टन इसका वज़न है और इस पर जो है वो शुरू में 56 किलोमीटर यानी 35 मील फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला करती थी। ये लॉर्ड लैनस्टोन है उल्टे हाथ को जो तस्वीर देख रहे हैं और ये सीधे हाथ को तस्वीर थी, ये उसकी इफ्तिताही तकरीब की तस्वीर थी। तो ये मतलब माशाल्लाह बहुत ही अफसानवी ब्रिज है। ये इसका सेटेलाइट जो है ना वो विजन था। और जनाब ये वो रेलवे इंजन है यानी सखर एक्सप्रेस एक तरफ से आती है और फिर जो है वो इंजन कटकर दूसरी साइड पर लगता है और फिर ये सखर की तरफ जो है ना वो रवाना होती है। ये प्लेटफार्म नंबर 4 से हम अब रवाना हो रहे हैं, मैं ख़ुद इंजन में मौजूद हूँ। ये सामने आपको रोड़ी रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। मैं साथ साथ बताता जाऊँगा आपको कि जो है ना वो कौन सी जगहें आ रही हैं या कौन सी चीज़ें आ रही हैं। फ़िलहाल जो हम बात कर रहे थे लैनस्टोन ब्रिज की, तो जब ये बना तो उस वक्त ये जो है वो रिजिड गर्डर ब्रिज, ये तवील तरीन दुनिया का पुल था जो है ना वो बग़ैर किसी सहारे के खड़ा था, यानी सस्पेंशन ब्रिज आप इसको कह सकते हैं या मुअल्लक पुल जो भी कह लें। तो ये बग़ैर किसी सहारे के बनने वाला सबसे तवील पुल था उस ज़माने में दुनिया का। इससे पहले जो है वो रेलवे ट्रैफिक का तो कोई वजूद नहीं था,
लोगों के आने जाने की भी कोई ऐसी सहूलत मौजूद नहीं थी कि वो सड़क या ट्रेन के किनारे आ सकें और ट्रेन के ज़रिए आ सकें। उस ज़माने में दरिया सिंध में कश्तियाँ चला करती थी और जो है वो पुराने लोग बताते हैं कि एक आना उसका किराया होता था एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए। ये जनाब उसका जो है ना वो सिग्नल आ गया अपना रोड़ी स्टेशन का, ये सामने सारा फैला हुआ, सामने आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि रोड़ी रेलवे स्टेशन जो है वो पहाड़ियाँ काट कर बनाया गया था और रोड़ी का स्टेशन भी रोड़ी से लिया गया है। रोड़ी कहते हैं बजरी को, मतलब छोटे छोटे बजरी के टुकड़े जो होते हैं उनको जो है वो रोड़ी कहा जाता है और उसी से जो रोड़ी है वो बना। तो दरमियान में एक जजीरा भी है भक्कर, उसका नाम है। ये लेफ्ट साइड को जो है वो स्टेशन का कैबिन है, मेन कैबिन। ये जो पहाड़ी आपको सामने बिल्कुल नज़र आ रही है ना, यहाँ से रेलवे लाइन दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। उल्टे हाथ को ये कराची जो जा रही है अपना रेलवे लाइन, और सीधे हाथ को जो है वो हम सखर की जानब जो है वो अब उस रेलवे लाइन पर आ गए हैं जहाँ से हम सखर पहुँच सकें। तो ये जो है वो अब आपको वाजे नज़र आ रहा होगा, पहाड़ी की दोनों तरफ रेलवे लाइन, सीधे हाथ की सखर और उल्टे हाथ को कराची जा रहे हैं। तो ये जनाब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रवाना हो रहे हैं। वो छोटा इंजन लगा हुआ है, मुझे जो है वो मैं कोई मतलब ज़्यादा तो नहीं बता सकता इस इंजन के बारे में। आगे एक पुल आएगा, उस पर ये पुल किसी ज़माने में नेशनल हाईवे हुआ करता था, रोड़ी के दरमियान से जो है वो नेशनल हाईवे गुजरा करती थी, बड़ी मसरूफ़ बड़ा ट्रैफिक जाम होता था। ये देखें ये वो पुल है, अब तो खैर बाईपास बन गए, मोटरवे बन गई, तो ये अब ख़त्म हो गया, ये सड़क ही रह गई, लेकिन किसी ज़माने में ये नेशनल हाईवे थी। सामने पहाड़ी है, एक ज़माने में ये पहाड़ी जो है ना वो सखर और रोड़ी और दरिया के दरमियान हायल थी, बाद में इसे काट कर जो है ना वो रेलवे लाइन बिछाई गई। ये सामने आप छोटा सा पुल देख सकते हैं दोनों तरफ की आबादी को मिलाने के लिए। और अब हम इस छोटे से दर्रे में से निकल कर खुली फिज़ा में आ गए हैं, खुली वादी में आ गए हैं। सामने आपको जो है वो लैनस्टोन ब्रिज और अयूब ब्रिज दोनों नज़र आने शुरू हो गए होंगे। बड़ी तारीखी जगह है, बहुत तारीखी शहर है, और सखर से पहले रोड़ी आबाद था। ये रोड़ी सखर को मिलाने वाली सड़क हमने क्रॉस की, बिल्कुल सामने जो बुलंद इमारतें नज़र आ रही हैं वो सखर की हैं। ये उल्टे हाथ को जो है ये वर्कशॉप थी, जब अयूब ब्रिज और लैनस्टोन ब्रिज बन रहा था तो यहाँ जो है ना वो ये उसकी ये वर्कशॉप थी। और इसके साथ जो है ये बिल्कुल सामने ब्रिज के साथ उल्टे हाथ को सत्यन जो मज़ार है, यानी सात सहेलियों का मज़ार, ये हम अभी उसको क्रॉस कर रहे हैं। और ये जनाब हम अयूब ब्रिज पर आ गए हैं, सीधे हाथ को लैनस्टोन ब्रिज है। ये अयूब ब्रिज जो है वो 1962 में बना, और ये भी बड़ा तारीखी पुल है। 1960 से 1962 के दरमियान इसको बनाया गया। दोनों पुलों के दरमियान 100 फुट का फासला है। ये 806 फुट लंबा है, 247 फुट ऊंचा है। इस पर जो है वो 2,16,00,000 रुपए जो है वो लागत आई, और 9 दिसंबर 1960 को इसका संगे बुनियाद रखा गया। हालांकि 26 नवंबर 1959 को ये बनना शुरू हो गया था। अच्छा, मज़े की बात यह कि ये अपने वक्त का तीसरा तवील तरीन आर्च स्पिन रेलवे ब्रिज था, और पहला रेलवे ब्रिज था जिसे तारों की मदद से मुअल्लक किया गया था। सिडनी हार्बर ब्रिज जो है वो उसकी कॉपी है। अब हम हैं भक्कर जजीरे पर। ये भक्कर जजीरे जो है वो भक्कर का मतलब होता है डॉन यानी सुबह, और इसका नाम जो है वो 17वीं सदी ईस्वी में सैयद मोहम्मद अल मक्की ने जो है वो रखा था। 800 गज़ लंबा और 300 गज़ चौड़ा ये जजीरा है, 25 फुट बुलंद है, 49 एकड़ रकबा है। और यहाँ की जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो पीर सदरुद्दीन बादशाह जो सैयद मोहम्मद अल मक्की के साहबजादे थे उनका मज़ार है। यहाँ एक किला भी है जो अब जो है वो टूट फूट गया, ये 1225 में तामीर हुआ था। और ये जनाब हम अब गुजरने वाले हैं न्यू चैनल ब्रिज पर। ये भी दो ब्रिज हैं, सीधे हाथ को जो है वो ओल्ड चैनल ब्रिज, और जिस पर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं ये कहलाता है न्यू चैनल ब्रिज। ये अब हम जनाब सखर में दाखिल होने जा रहे हैं। रोड़ी से चले, भक्कर जजीरे पर से गुजरे, और जो है ना वो ये अब हम जनाब ये आ गया सखर। तो ये अब हम सखर पर हैं, हमारा सफ़र जो है वो सखर शहर में जारी है। सीधे हाथ को पुराना सखर और उल्टे हाथ को नया सखर। पुराना सखर तो सदियों पहले आबाद था,
और जो नया शक्कर है ये 1839 में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्ज़ा किया है तो इसकी पहाड़ियों पर इन्होंने अपनी फ़ौजी बैरक्स बनाई थी और उन फौजी वो फौजी बैरकें जो हैं वो नए शक्कर की पहली आबादी थी। 1845 में बैरकें तो ख़त्म हो गई लेकिन मतलब फ़ौजी उन बैरकों में नहीं रहे, लेकिन वो बैरकें अब भी मौजूद हैं, रेलवे के पास हैं। ये उल्टे हाथ को डिस्ट्रिक्ट जेल है और ये जो सड़क नज़र आ रही है आपको 1904 में जो है वो बनी डिस्ट्रिक्ट जेल, और ये जो सड़क है ये शक्कर और रोहड़ी को मिलाने वाली सड़क है। ये अब तो शक्कर में एक ज़माने में दो तीन मंजिला इमारतों से ज़्यादा कोई बिल्डिंग नहीं होती थी शक्कर में, लेकिन अब बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स बन गई हैं। हमारा सफ़र जो है वो जारी है शक्कर रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ पहुँच कर हम जो है वो आपको शंडिंग भी दिखाएंगे। अच्छा, शंडिंग इन सेंस में कि एक ज़माने में शक्कर एक्सप्रेस जो है 145 ऑफ शक्कर एक्सप्रेस ये सिर्फ शक्कर और कराची के दरमियान चला करती थी, लेकिन अब इसे जैकबाबाद तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी 10 बोगियाँ जो है वो यहाँ काट ली जाती हैं शक्कर में और बाकी जो है वो कुछ 6-7 बोगियाँ जैकबाबाद चली जाती हैं। तकरीबन 560 किलोमीटर का फासला ये तय करती है शक्कर एक्सप्रेस। ये बहुत देखें, ये दोनों तरफ जो है वो बड़ी कंजस्टेड आबादी है। ये सीधे हाथ की जो आबादी है ये नुसरत कॉलोनी कहलाती है, और ये कोई एक नुसरत कॉलोनी नहीं है बल्कि नुसरत कॉलोनी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सी आबादियाँ हैं। तो ये हम जो है वो आउटर पर पहुँच गए हैं। सिग्नल इसका डाउन नहीं था, PLC पर जो है वो हमने एंट्री दी, यानी कि जो है वो सिग्नल में शायद कोई फनी ख़राबी है जिसकी वजह से इसका सिग्नल डाउन नहीं हुआ। आउटर सिग्नल हम क्रॉस कर चुके हैं इसका, या मेरा ख्याल है आउटर सिग्नल, हाँ वो सामने मकानों में घिरा हुआ आउटर सिग्नल हमें नज़र आ रहा है। ये जो झंडा लहरा रहा है इसके जो है वो बैक पर आगे होम सिग्नल है, हाँ ये आउटर सिग्नल जो है वो उस पर हम पहुँच गए हैं, लेकिन आउटर सिग्नल डाउन नहीं है। तो इसकी इंटीमेशन जो है वो अगले स्टेशन पर कोई ख़राबी होती तो उसकी इंटीमेशन एक स्टेशन पहले दी जाती है। ये राइट साइड पर आउटर सिग्नल जो है वो शक्कर का गुजर रहा है, डेफिनेटली रोड़ी में जो है ना वो कॉशन दे दिया गया होगा ड्राइवर को कि जी आउटर सिग्नल जो है ख़राब है, आबादी के दरमियान में से गुजर रहे हैं, इसीलिए जो है वो उसने एक छोटा सा डेड स्टॉप करने के बाद ड्राइवर ने ट्रेन दोबारा आगे बढ़ा ली है। तो ये अब जनाब हम आबादी में से गुजर रहे हैं। अच्छा, लैनिसडोन ब्रिज की जो है वो तारीख से बहुत ज़्यादा है, उसके साथ एक बहुत कहानी भी वाबस्ता है। इसको कैंची पुल कहा जाता है। कहते हैं कि जब लैनिसडोन ब्रिज जो है वो बन गया तो कोई ड्राइवर इस पर ट्रेन चलाने को तैयार नहीं था, तो अंग्रेज़ों ने जो है वो जो कैदी थे जब उनसे जो है वो कहा कि जी आप में से कोई अगर तैयार हो तो हम उसे ट्रेनिंग देते हैं और वो ट्रेन जो है इस पुल पर से गुजार ले। तो जमाल शीदी नाम का एक ड्राइवर था जिसने जो है वो हामी भरी कि जी मैं जो है वो ट्रेन गुजार लूँगा यहाँ से। तो उसे 2 महीने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई और कहा जाता है कि जब वो ट्रेन रोड़ी की सम से शक्कर लेकर आया तो पुल की दूसरी जानब यानी शक्कर की जानब जो है वो जो अंग्रेज़ अफसर थे और जो अंग्रेज़ इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स और अमला ये सब मौजूद थे, और इसके साथ साथ उसकी बीवी भी मौजूद थी, जमाल शीदी की बीवी भी मौजूद थी। तो जब ये कामयाबी से जो है वो इंजन लेकर शक्कर की साइड पर पहुंचा तो उसने खुशी में एक गाना गाया, हो जमालो मुझो खट्टी आयो खैर सा हो जमालो। तो अगर कोई मतलब इशू ना होता इसका कॉपीराइट का तो मैं डेफिनेटली आपको वो गाना भी सुनवाता, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि वो मैं गाना आपको सुनवा सकूँ। लेकिन हो जमालो का जो गाना है सिंधी का लोक गीत, बहुत मशहूर, खुशी के हर मौके पर वो गीत गाया जाता है, मुझो खट्टी आयो खैर सा हो जमालो। तो मतलब ये कि जो है ना वो मेरा जो मतलब जो सर का साई है वो खैरियत से पहुंच गया, इसका मतलब ये बनता है। लैनिसडोन ब्रिज इसकी जो पुल की तामीर थी इसमें 26,96,000 रुपये खर्च हुए थे, लेकिन और इसमें से 2,76,000 रुपये सिर्फ इसकी फाउंडेशन यानी इसकी बुनियादों पर खर्च हुए। 6 अफराद जो है वो इसकी तामीर के दौरान जो है वो अपनी जान से गए, जिनमें से 2 पर तो जो है वो भारी आलात गिर पड़े थे, जबकि 4 जो है वो बुलंदी पर से दरिया में गिरे और गालिबन उन्हें तैरना नहीं आता था इसलिए वो पानी में डूब गए। तो ये मैंने कहा था कि बड़ा अफसानवी सा पुल, दोनों पुल हम क्रॉस कर रहे हैं, अयूब ब्रिज और लैनिसडोन ब्रिज, दोनों को जब इनकी तस्वीर बनाई जाती है तो ये जुड़वा पुल नज़र आते हैं, हालांकि इनके दरमियान जो है वो लगभग 100 फीट का फासला है। ये है जनाब शक्कर रेलवे स्टेशन।
सक्कर रेलवे स्टेशन 1878 के लगभग जो है वो तामीर हुआ। जो है ये उसका रेलवे यार्ड, 3 इसके प्लेटफार्म हैं। इसका ये प्लेटफार्म जो है वो शुरू हो चुका है, प्लेटफार्म नंबर 1, खासा लंबा प्लेटफार्म है। इसकी एक जो है वो साइडिंग लाइन भी नज़र आ रही होगी आपकी। और ये जनाब हम अब इसके प्लेटफार्म पर जो है वो इंटर होने वाले हैं। सक्कर रेलवे स्टेशन रोड़ी से चमन जाने वाली रेलवे लाइन का एक अहम तरीन स्टेशन ये जनाब सक्कर रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म शुरू हो गया। ये उल्टे हाथ को एक साया नज़र आ रहा होगा, ये झंडियाँ, ये जनाब वो रेलवे का मुलाजिम था जो बाहर जो है वो झंडियाँ लेकर खड़ा था, और उसने ये इशारा दिया था इंजन ड्राइवर को कि जनाब आपका सेक्शन बिल्कुल साफ है, आप जा सकते हैं। ये जनाब सक्कर रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग आ गई। इतनी रौनक नहीं होती क्योंकि बहुत कम ट्रेनें जो है वो यहाँ आती हैं, मतलब दिन के वक्त। ये सक्कर एक्सप्रेस जो है 145 अब ये सुबह में पहुँचती है यहाँ, और रात में 10-10 बजे के लगभग यहीं से वापस रवाना होती है। ये हम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंजन जो है वो प्लेटफार्म के आखिरी हिस्से तक जा रहा है। कुछ देर बाद इंजन डिटैच होगा और फिर जो है ना वो इसकी बोगियां जो है ना वो भी डिटैच होंगी, जो यहाँ बोगियां वापस छोड़ी जाएंगी, और बाकी जो 6 बोगियां हैं, 7 बोगियां हैं वो जैकबाबाद तक जो है वो जाएंगी, और फिर शाम को वहाँ से वापसी के लिए चलेंगी, और रात को ये सक्कर एक्सप्रेस बनकर दोबारा से यहाँ से कराची रवाना होगी। ये जनाब ये देखेंगे हम बिल्कुल एंड तक जाएंगे, बल्कि प्लेटफार्म मेरा ख्याल है लगता ये है कि हम क्रॉस कर जाएंगे। खासी लंबी ट्रेन है, 16-17 बोगियाँ हैं इसमें, और ये रेलवे की बड़ी प्रॉफिटेबल ट्रेन है जो 11-11.5 घंटों यानी पूरी रात ये ट्रैवल करती है, 11-11.5 घंटे। और बाज़ लोग ये कारोबारी हजरात जो सक्कर के हैं वो रात को चलते हैं, सुबह कराची पहुंचते हैं, सारा दिन वो अपने ख़रीदारी वगैरह करते हैं, और रात को 10-10 बजे वापस चलती है, और सुबह फिर वो अपने शहर में होते हैं। ये जनाब हम रुक गए, और ये वो इंजन जो इसको लेकर यहाँ तक पहुँचा है रोड़ी से। ये एक नज़ारा जो है ना वो बैग का, और ये जनाब जज़ा फातमा जो है वो इंजन पर सवार हो रही हैं, सैयदा जज़ा फातमा, और ये भी जो है ना वो हमारे साथ शंटिंग में जो है वो शामिल होंगी। ये जनाब हम सवार हुए इंजन पर, और ये जो शंटर जो कहलाता है ये अलग होता है, ड्राइवर अलग होता है। शंटर जो है वो जो यार्ड में शंटिंग होती है वो अलग करता है, वो रेगुलर ड्राइवर नहीं करता शंटिंग। जो ट्रेन चलाता है वो ड्राइवर जो है वो यासीन साहब उतर गए हैं, और उनकी जगह ये शंटर आ गए हैं। और अब हम ये बोगियाँ लेकर यहाँ से, ये इंजन का विसिल, और ये जनाब बोगियाँ लेकर यहाँ से जो पीछे से डीकपल हुई हैं बोगियाँ 10, वो लेकर रवाना हो गया। और अब जो है वो ये हम, ये पहले आगे जाएगा और फिर दूसरी रेल लाइन पर मुड़ के उन बोगियों को छोड़ेगा। ये पावर वैन, ये जनाब इसके पीछे बिल्कुल लगे हुए, ये गालिबन एसी स्टैंडर्ड की बोगी है। ये आहिस्ता आहिस्ता बोगियाँ जो है वो लेकर आगे बढ़ रहा है। ये जनाब बोगियाँ हैं, और ये भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा होता है जी, बोगियाँ मतलब जो है ना वो आगे पीछे होना, इंजनों की जो है ना वो मूवमेंट, बोगियों की मूवमेंट, लोग बड़े जो है ना वो इश्तियाक के साथ खड़े होकर इन्हें देखते हैं और जो है वो इनका नज़ारा करते हैं कि जी कौन सी बोगी जो है वो कहाँ, कौन सा इंजन जो है वो किस रेलवे लाइन पर जा रहा है। बाज़ लोग फोटोग्राफी करते हैं, और बाज़ लोग सिर्फ ये नज़ारा देखने के लिए जो है वो रेलवे स्टेशन पर आते हैं। तो यहाँ भी यही सूरत हाल है, हम आपको दिखा रहे हैं, और अच्छा लगता है ये, मतलब ये पीछे जो है वो शंटर है बैठा हुआ।
ये जनाब अब अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, यानी एक मखसूस मकाम पर पहुँच कर हम रुकेंगे और फिर जो है वो कैबिन से बाकायदा सिग्नल दिया जाएगा, हम लौटेंगे दूसरी रेलवे लाइन पर और फिर ये इंजन दोबारा वापस आगे जाएगा और जो है वो एक्चुअल ट्रेन जो बाकी जो ट्रेन की बोगियाँ बच गई हैं उनके साथ लगेगा। ये सीधे हाथ को सक्कर रेलवे स्टेशन का जो है वो फर्स्ट कैबिन है। जज़ा फातिमा जो है वो असिस्टेंट ड्राइवर की सीट पर बैठी हुई नहायत इनमाद के साथ जो है वो ये सारा प्रोसेस देख रही हैं, लेकिन जब हॉर्न बजता तो आगे बंद कर लेती हैं। ये जनाब हम बिल्कुल ये सामने जो पुल नज़र आ रहा है ये नया पिंड और जो है वो सक्कर को आपस में मिलाता है। नया पिंड सक्कर का एक इलाका है, एक ज़माने में रेलवे पुल नहीं था। ये बैक का व्यू आप देख लें जी कि पूरा सक्कर रेलवे स्टेशन जो है ना वो उसकी और पूरा उसका रेलवे यार्ड आपको नज़र आ रहा है। जो है वो अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा लगता है दूर से इस तरह के नज़ारे देखना। दूर तक रेलवे लाइनें बिछी हुई हैं, ये वो इंचार्ज शंटर्स हैं जो है वो शंटिंग कर रहे हैं और ये जनाब हम वो पुल क्रॉस कर रहे हैं। नया पिंड वाला जो ओवरहेड ब्रिज था उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये जो है वो शिकारपुर साइड पर यानी जाकमाबाद साइड पर के होम सिग्नल्स हैं। 10 बोगी हैं, ज़्यादा लंबी ट्रेन है तो डेफिनेटली ये देखें, ये लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं और ये यही देख रहे हैं कि जी ट्रेन जो है वो कैसे शंट करती है। मैंने आपको बताया था कि बच्चा लोग जो है वो बड़ी दिलचस्पी के साथ ये देखते हैं और ये जनाब अब वो जो ट्रेन की बोगियाँ काटी गई थी वो अब वापस आ रही हैं दूसरी रेलवे लाइन पर। ये प्लेटफॉर्म से जो है वो ली गई वीडियो है, या ये प्लेटफॉर्म के साथ जो रेलवे लाइन थी यहाँ से हम रवाना हुए थे और अब ये बोगियाँ जो है वो दूसरी रेलवे लाइन पर जो है वो पहुँचाई जा रही हैं। यहाँ खड़ी कर दी जाएंगी, इंजन से कट जाएगा और फिर वो जो बाकी मांदर ट्रेन है उसके साथ लगेगा और उसको लेकर जो है वो जकबाबाद जो है वो रवाना हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जो है ना वो अयूब ब्रिज और लैनस्टोन ब्रिज दिखाना था। अयूब ब्रिज पर से हम गुज़रे, मैंने आपको बताया कि अयूब ब्रिज जो है वो वैसे तो तस्वीरों में वीडियोस में बहुत आया है लेकिन शायद एक या दो जो है वो यूट्यूबर ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले जो है वो रेलवे इंजन पर से इस पुल को दिखाया है। तो आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपको इस जो है ना वो पुल के दोनों पुलों का नज़ारा करवाया जाए। दोनों पुल पहले भी तारीख के अजूबे थे, आज भी तारीख के अजूबे हैं। इंशाल्लाह ताला जो है वो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़ारा ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो है वो बुगियाँ इस तरह से वापस आ रही हैं। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।